सकते हैं ये बढ़ गया है और चौड़ाई बढ़ गया है इसका। ये माझी की तरफ जाएगा ये सब गाइस, तो देख सकते हैं रोड बढ़ चुका है और ये देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा स्पेस है। और यहाँ देख सकते हैं आप ब्रिज पे हम आ चुके हैं और फाइनली देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, दोनों साइड देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा आया है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत देख सकते हैं और एक और रास्ता है जो कि मैं ढाला बन हो चुका है और आपको वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं आया हूं आज रिविलगंज और पहिया ढाला का जो रास्ता है, जो ब्रिज बना हुआ है और छपरा जाने के लिए बहुत ही आसान हो चुका है और दो दो रास्ता हो चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक रास्ता है और ये है ढाला के पास और गाइज आपको दिख रहा होगा। और हमारे साथ अरशद भाई हैं, ये कुछ बताएंगे। अरशद भाई, सो गाइज देख सकते हैं यहाँ हम लोग चलेंगे और आप लोग को बताएंगे और दिखाएंगे भी कि ये ब्रिज बना हुआ है। भाई बताएंगे अरशद भाई, ये जो बना हुआ है ब्रिज जो रिविलगंज के पास में है, बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा है कि यहाँ सबसे बहुत ज़्यादा जाम लगता था पहिया ढाला के पास, तो पहिया ढाला से को पार करने के लिए एक रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से एक ब्रिज बना दिया गया है जो पहिया ढाला से स्टार्ट होता है और जाके रिविलगंज थाने के पास उतर जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन हो चुका है, अब ढाला का दिक्कत नहीं होगा और यहाँ पे जो भी जाम वगैरह की समस्या नहीं रहेगी। तो गाइस देख सकते हैं, चल के हम लोग दिखाते हैं। तो गाइस अब हम लोग जाएंगे और ब्रिज के पास आपको दिखाएंगे, ब्रिज चालू हो चुका है गाइस। तो फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं और हमारे साथ अरशद भाई हैं, बहुत दिन के बाद हमारे साथ आए हैं इस ब्लॉग में। तो सो गाइस आप लोग नए नए हैं मेरे वीडियो में और सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ब्लॉग देखिए और पूरा वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा आपको गाइस। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। ये देख सकते हैं और ये ढाला है और ढाले के उधर आपको दिख रहा होगा, उधर मतलब कि रास्ता है एक पहिया ढाला का। और गाइस देख सकते हैं आप इधर और दो दो रास्ता हो गया है, अभी हम लोग जाएंगे फाइनली दिखाने के लिए आपको। और इस यहाँ पे गाड़ी उतना रुकेगी नहीं और बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही फ़ायदा लोग को हो गया, जाम यहाँ पे हो जाता था गाइस। तो फाइनली अभी हम लोग जाएंगे और ब्रिज का आपको नया अपडेट देंगे आज। ये बढ़ गया है और चौड़ाई बढ़ गया इसका, ये माझी की तरफ जाएगा ये सब गाइस, तो देख सकते हैं रोड बढ़ चुका है और ये जो बनेगा और एकदम सेम हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा गाइस। तो फाइनली अभी हम लोग जाएंगे, आपको दिखाएंगे आपका ब्रिज, मजा आए। ये बहुत ही अच्छा स्पेस है और यहाँ देख सकते हैं आप ब्रिज पे हम आ चुके हैं और फाइनली देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, दोनों साइड देख सकते हैं आप बहुत बढ़िया है, अच्छा बन गया है ब्रिज, बहुत फायदा है लोग को, यहाँ पे देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा आया है और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत मस्त आ रहा है गाइज, और यहाँ पे स्पेस बनाया गया है और देख सकते हैं आप, लग रहा है कि हम सीढ़ी बनाया गया है यहाँ पर और उतरने के लिए। तो गाइज देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है और ये बना है बहुत मस्त है, यहाँ देख सकते हैं पूरा दौरा है गाइज, देख सकते हैं आप। और ये जो बना हुआ है इंसान के चलने के लिए है और यहाँ से लोग चलेगा लोग और उधर बाइक चलेगी गाइज, गाड़ी चलेगी वगैरह। और अभी हम नीचे जा रहे हैं, अरशद भाई वीडियो बनाने में पूरा बिजी है। अरशद कहें गाइज देख सकते हैं आप और आपको यहाँ से दिख रहा होगा बहुत ही अच्छा आ रहा है और बहुत इधर ट्रेन भी आ रही है और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे सीढ़ी बन चुका है उतरने के लिए, बहुत ही अच्छा है गाइज। और यहाँ पे एक और भी रास्ता है जो कि ये भी जाएगा और बहुत ही अच्छा हो गया है और बैठने के लिए बहुत अच्छा है। अरशद भाई कैसा लग रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है, यहाँ छत ऊपर है और यहाँ ठंड, यहाँ धूप के कारण तो वहाँ बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन इधर बहुत अच्छा हवा आ रहा है, बढ़िया बना है, बहुत मजा आ रहा है, बढ़िया बना है भाई, बेहतरीन बना है, देख सकते हैं ऊपर और वाओ क्या नज़ारा है गाइस, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा ये बन चुका है गाइस और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्पेस दिया गया है और आगे भी मैं दिखाऊंगा आपको।
हुआ है और दोनों साइड से बना हुआ है, चलने के लिए बहुत अच्छा है। इधर रोड पे गाड़ी चलेगी और इधर भी उतरने का साधन है गाइस, और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। यहाँ देख सकते हैं लोकेशन भी मस्त है और उससे नीचे ट्रेन चलेगी और ऊपर गाड़ी, बहुत मस्त है। और बहुत दिन से काम लगा हुआ था गाइस और फाइनली अब तैयार हुआ है, और हम भी सोच रहे थे कि कब तैयार होगा, इतना दिन से काम लगा है, लेकिन बहुत जल्दी काम हुआ है और आगे मैं दिखाऊंगा आपको। देख सकते हैं और एक और रास्ता है जो कि मैं आपको इस रास्ते से ले जा रहा हूं, और ये बन चुका है देख सकते हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं इस रास्ते से, और फाइनली जो दिखाना था आपको दिखा दिया, और अभी मैं जा रहा हूं इस रास्ते से जो कि ये भी माजी जाएगा और वो भी माजी जाएगा गाइस। तो देख सकते हैं फाइनली जो कि ट्रेन यहाँ से जा रही है और आपको दिख रही होगी, और यहाँ जो है ढाला बंद है, और यही एक कारण है जो कि इसी कारण से उधर ब्रिज का निर्माण किया गया है, और यहाँ देख सकते हैं ढाला बंद है गाइस, और उधर से जाए थे हम लोग तो निकल जाते गाइस, तो फाइनली देख सकते हैं आप ये ढाला बंद हो चुका है और अब खुल रहा है गाइस, यही है, और यहाँ पे जाम लग जाता है गाइस देख सकते हैं आप, और हम लोग जा रहे हैं आप घर, ये तो दिखाना था गाइस, दिखा दिया आपको, और अभी जा रहे हैं हम लोग।